नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एएनजी न्यूज की दस्तक में। एएनजी न्यूज की दस्तक में आज हमारे साथ आपके सामने हैं समाजवादी पार्टी के जाने माने एमएलसी एवं दिग्गज प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी। उदयवीर सिंह जी को किसी खास पहचान की मोहताज नहीं है। वो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज। यहां अंतरराष्ट्रीय कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साख द्वारा होता है कैंसर से संबंधित सभी प्रकार का इलाज। उदयवीर सिंह जी, एएनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी को हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी दर्शक अपने सवाल कमेंट भी कर सकते हैं जिसका सीधा जवाब उदयवीर सिंह जी आप सभी को देंगे। आइए अब कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा बनाए कृषि कानूनों को अपनी बर्बादी का दस्तावेज मानकर लाखों किसान गत ढाई महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विपक्ष भी इन कानूनों को काला कानून बता रहा है जी, किंतु सरकार इन्हें किसानों के हित में बता रही है, आखिर सच क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि ये कानून किसानों के खिलाफ है जी, वो आधा सच बोलते हैं जी। सच ये है कि ये कानून देश के खिलाफ है जी, हर व्यक्ति के खिलाफ। इसलिए खिलाफ है कि ये तीन कानून है। पहला कानून ये कहता है कि प्राइवेट मंडी हो सकती है, सरकारी मंडियों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई कुछ जो मंडी के मानक हैं उनको पूरा मानने की जरूरत नहीं है, जो जहां से चाहे खरीद ले। प्रस्तुत ऐसे किया गया है कि किसान को छूट दी जा रही है। किसान को तो पहले भी छूट थी, वो अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो भी उसका गेहूं चावल जो भी चीज़ है उसको कहीं भी ले जा सकता था। ये व्यापारियों को छूट दी जा रही है कि मंडी में हिसाब किताब देने ना आए। और किसान एक बार अपना ट्रैक्टर ट्रक लाद लेता है तो वो लौट के वापस नहीं आता। वो जहां जाता है जिस भाव मिलता है उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो दो दो बार भाड़ा दे। तो सवाल ये है कि ये छूट दी जा रही है व्यापारियों को, बताया जा रहा है मंडी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मंडी में आपको कहीं हिसाब किताब देने जाना नहीं है तो कोई सरकारी मंडी में क्यों आएगा? तो ये मंडी सिस्टम अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और कई मंडी प्राइवेट लोगों को जैसे दी गई है वैसे ही दे दी जाएगी। तो पहली बात मंडी खत्म करने की बात है। थोड़ा इसमें दो मिनट समय लगेगा क्योंकि बहुत देश की बात है। दूसरी बात, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कह रहे हैं, समझौता हो जाएगा किसान का और उसको तय हो जाएगा कि उसे कितना पैसा देना है, मेले में उसका सामान बिकेगा, उसकी उसका जो कृषि का जो भी उपज है वो बिकेगी। ये तो ठीक है, लेकिन बीज खाद सब कुछ कौन देगा? जो एग्रीमेंट उसके साथ व्यापारी करेगा वो। तो जितने बीज खाद इसकी दुकान करने वाले लोग हैं, इस व्यापार से जुड़े लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका काम खत्म। एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट की गुणवत्ता किसान को मेंटेन करनी, खाद बीज उनका, गुणवत्ता किसान के ऊपर। लाभ है तो लें, नहीं लाभ है तो सो कानून लगाए, चलो उसको भी जाने दो। एग्रीमेंट में ये लिखा है कि जैसे उन्होंने 10 लोगों से कृषि जमीन ले ली तो उन 10 लोगों से की जमीन को एक खेत बना देंगे, मेड़ तोड़ देंगे। मेड़ तोड़ने का अधिकार अभी तक किसी कानून ने नहीं दिया था। किसी व्यापारी ने 1000-2000 एकड़ जमीन लेके सबकी मेड़ तोड़ के फेंसिंग करके खेत बना लिया, 3 साल बाद आपने कहा कि मुझे तो अपना 20 बीघा वापस चाहिए, क्या डलवा पाओगे मेड़ वापस? कैसे ढूंढोगे? और विवाद होगा तो कहां जाओगे? SDM तक, DM तक, कोर्ट में जाने की भी छूट नहीं। जब एग्रीमेंट के तहत समझौता होगा तो किसान क्या वो कहेगा कि आपको केवल सरसों उगानी, तो आपको सरसों ही उगानी, दूसरी चीज नहीं उगा सकते। देश में जरूरत खाद्यान्न की है, व्यापारी को किस चीज की जरूरत है इसके हिसाब से उपज होगी। तीसरा कानून जो इससे भी खतरनाक है वो ये है कि उस सारी उपज को चाहे जितना चाहे वो होल्ड कर सकता है, रख सकता है, जमाखोरी कर सकता है। जमाखोरी एक अपराध था। अब मान लीजिए आपके पूरे क्षेत्र का आलू किसी व्यक्ति ने खरीद के कोल्ड स्टोर में रख दिया और उस पर पैसा है, क्षमता है, या गेहूं रख लिया और 2 साल वो बेच नहीं रहा,
और उसके बाद मन मर्जी रेट पे बेचेगा, तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? गेहूं खाना बंद कर देंगे क्या? कर देंगे नहीं? फिर तो आपको क्या पैसा मिला, ये महत्वहीन हो जाता है जब बेचने वाले को ये अधिकार मिल जाए कि वो चाहे जितने पे बेचे। और इसमें मंडी सिस्टम आपने खरीद खत्म कर दिया, सरकारी खरीद खत्म कर रहे हैं, एमएसपी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो जब ये सब चीजें आप खत्म कर देंगे तो मुझे ये बताइए, किसान अगर सरकार गेहूं चावल खरीदेगी नहीं, भंडारण नहीं करेगी, ये भंडारण गृह जो है खत्म कर देंगे, तो जो पीडीएस में सस्ता गेहूं मिलता है, गरीबों को खाद्यान्न मिलता है, वो कहाँ जाएगा? तो वो सारा गरीब जिसकी संख्या करीब करीब 80 से 90 करोड़ है, वो बाहर हो जाएगा। तो इससे व्यापार भी खत्म होना है, इससे जो है किसान पे जब मजबूरी होगी, उसे जरूरत पड़ेगी, उसी से पैसा लेगा, पैसा लेगा वो जमीन लिखाएगा जो साहूकार पहले करते थे। तो इस तरीके से ये कानून व्यापारियों के भी खिलाफ है, किसानों के भी खिलाफ है, आपके गरीबों के भी खिलाफ है जो सरकार पे आश्रित हैं। और सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सीधा सीधा ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में दे देगी, जिस पे जितना धन है उतना इन्वेस्ट करेगा, उतना मुनाफा कमाएगा। इस देश में 66% लोग कृषि पे आधारित हैं, ये सब कहाँ चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई छोटा काम करता, कोई बड़ा काम करता, अपने खेत से कई तरह की फसलें लेते हैं, एग्रीमेंट में तो सब तोड़ ताड़ के बराबर हो जाएगा, कैसे चिन्हित करेंगे कौन सा मेरा खेत है, इसमें क्या? आप तो बीच में फसल ले लेते हैं, कई काम कर लेते हैं, वो कर पाएंगे क्या? इसलिए ये कानून पूरे देश के खिलाफ है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे पूंजीपतियों का, दो तीन उद्योगपतियों का कब्जा कराने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसको हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, हर गरीब को जो राशन की दुकान से सस्ता राशन लेता है। सरकार कह रही है फूड गारंटी है, कैसे गारंटी करेगी जब फूड ही नहीं होगा उसके पास? व्यापारियों को, किसानों को, हर किसी को इस पर विरोध करना चाहिए। अगला सवाल लेता हूँ। एक और गणतंत्र दिवस पर हुई लाल किले की घटना से डरी हुई मोदी सरकार ने दिल्ली की सीमा पर किलेबंदी, कीलबंदी, तारबंदी की, जिसको बाद में हटाया गया, तो दूसरी ओर देश के लिए चीन बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उसके द्वारा हमारी सीमा के अंदर आकर गांव बसा लेने की खबरें हैं, सरकार के लिए दोहरी चुनौतियों के बीच विपक्ष की क्या भूमिका है? देखिए, इस विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में होती है। मोदी जी की सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो पत्रकार उनकी खबर सही दिखा दे वो जेल, जो चैनल उनकी बात न माने उसके छापे, जो चैनल जो अखबार उनकी बात माने उनको फुल सरकारी मदद, उनको सरकारी पुरस्कार, उनको वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस तो गिरा दिया। अब आइए विपक्ष पे, जब आप सलाह नहीं लेंगे, मशवरा नहीं लेंगे, विपक्ष की राय नहीं लेंगे, विपक्ष के लोगों को आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह की भाषाओं से परिभाषित करेंगे, सदन के अंदर बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे, तो क्या आशा करते हैं आप विपक्ष से? सरकार अपनी असफलताओं पे अपना क्रिटिसिज्म, अपने आलोचना सुनना नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि बस चारों तरफ से सोशल मीडिया, मीडिया में चल रहा है सरकार बहुत अच्छी है, विदेशों में मोदी जी का बहुत नाम है, देश का बहुत नाम है। क्यों है किसी को नहीं पता, किसे पूछे क्यों नाम है भाई? तो एक आध उदाहरण देना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला, विदेशों से कैसी टिप्पणियां आ रही हैं, चीन के मसले पर सरकार पहले कहती थी कि कोई अंदर आया ही नहीं, और अब रोज कहती है कि हमारे समझौते के तहत इतना पीछे हट गए। तो जब संसद के अंदर सरकार झूठ बोलती हो, उनसे समझौता, उनके आगे घुटना टेके हो, मोदी जी देश भर के लोगों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताते हैं, और जब मर्जी आती है बगैर कोई प्रोग्राम घोषित करे, बोले कहां गए पाकिस्तान, किस लिए? नवाज शरीफ जी की मदर की मम्मी को जन्मदिन का तोहफा देने, बिरयानी खाने, शॉल उड़ाने। तो ये ऐसी दो मुही सरकार है जो खुद सारे काम करती है, दूसरे को इसी को आरोपित करती रहती है। तो मेरा कहना यह है कि जब संसद में झूठ बोलेंगे, जब कोई नीति का बताएंगे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सेना की शहादत के बारे में झूठ बोलेंगे, और ऐसी सरकार निश्चित तौर पर अपने नागरिकों से डरेगी, उसे ये डर रहता है कहीं नागरिक इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ आंदोलन, इसलिए ये सारी कीलें, सारी खाइयां,
सारे बैरिकेटिंग केवल किसानों के लिए, क्योंकि किसान इस ताकत के साथ आया, उसकी रोजी रोटी का सवाल था, उसकी जमीन छाने का सवाल था, उसके जीवन मरण का प्रश्न था, तो उसकी ताकत को देखकर मोदी सरकार किसानों से डर गई और ट्रैक्टर को तो एकदम टारगेट कर लिया। ट्रैक्टर इस देश में खुशहाली का प्रतीक है। लोग कहते थे जब से मशीन आई, ट्रैक्टर आया, हल आया, हैरो आए, तब से खेती पैदावार बढ़ी, हम लोग आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्न के मामले में, ट्रैक्टर लोग लेके शान से चलते थे। इसी पार्टी जनता पार्टी के नेता थे राजनाथ सिंह, जो कहते थे कि ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी चीज है, मैं जुगाड़ भी सड़क पे खड़ी चलवाऊंगा। अब वो लोग ट्रैक्टर को रोड पे नहीं निकलना देना चाहते। कल हम लोग विधानसभा ट्रैक्टर से चले गए, ट्रैक्टर सीज कर दिया, विधायकों के साथ बदतमीजी की, बहुत सारा काम किया। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है, इसलिए विपक्ष की भूमिका भी ये सरकार नगण्य मानती है, उसको विश्वास में न लेकर विरोध करने के लिए छोड़ दिया। अगला सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत है जी। गत 30 जनवरी को सभापति का पद रिक्त हुआ जी। ऐसे में चुनाव न करवाकर योगी सरकार द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को आप कितना उचित मानते हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए, आज ये हाउस सदन में प्रश्न आया था, प्रोटेम स्पीकर तो नियुक्त होना था, वो तो संविधान सम्मत है, और वो राज्यपाल महोदय को किसी को करना था, लेकिन परंपरा थी कि सीनियर मोस्ट होता है, तो जो सदन के सीनियर मोस्ट मेंबर थे श्री राजबहादुर सिंह चंदेल, उनको बनना चाहिए था। इसी तरह की मांग गवर्नर साहब से समाजवादी पार्टी ने की थी, लेकिन गवर्नर साहब निपट बेईमानी पे उतर आए, शुद्ध बेईमानी। कैसे? 12 सदस्य निर्वाचित हुए विधान परिषद के लिए, तो गवर्नर के लिए तो 12 बराबर है, तो अगर शपथ होनी है तो 12 को बुलाना चाहिए। इन 12 में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन साहब और विधानसभा में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी थे, उन्होंने इन दोनों लोगों को भी शपथ के लिए नहीं बुलाया, केवल एक सदस्य को शपथ के लिए बुलाया जो नया निर्वाचित होकर आया था। प्रोटेम स्पीकर बनना ही नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए था, तो उन्होंने अकेले श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह को बुलाया, उनको पहले सदस्य की शपथ दिलाई, फिर उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेम स्पीकर से बाकी सबको शपथ दिलवाई। हमने विरोध किया था, गैर संवैधानिक था, लेकिन गवर्नर के आदेश का पालन करना है, हमने माना, प्रोटेम स्पीकर के कार्य को भी माना। आज सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया, संविधान कहता है कि सदन के अंदर तय होगा, अगर सभापति को बहुमत है तो सभापति रहेगा, वरना सभापति की जगह दूसरा सदन चुनेगा, तो आज उसको भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया उन्होंने। कोई सभापति खुद मौजूद रहते अपने खिलाफ कैसे एक्शन दे, इतने स्वार्थी तो मैं आशा भी कर रहा था, इतने स्वार्थी तो होंगे जब वो नियम विरुद्ध बन रहे हैं। और उसके बाद हमने सभापति के विषय पे गवर्नर साहब से 2-3 बार अनुरोध किया, और कल करने जा रहे हैं कि आप एक डेट दीजिए चुनाव की। ये बैकडोर दरवाजे से सभापति रखने की परंपरा लोकतंत्र में अपराध है। जब सदन मौजूद है, सदन चल रहा है, कोई आकस्मिक ऐसी समस्या नहीं आ रखी है, तो क्यों चुनाव नहीं हो सकता? तो ये लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र को जेब में रखने की साजिश। कल आप फिर मांग उठाएंगे? हमने तो गवर्नर साहब को 2 बार मेमोरेंडम दिया है, और हमारी पार्टी विचार कर रही है कि हम एक और मेमोरेंडम देंगे, उनसे कहें कि आप डेट दे दीजिए। अगला सवाल लेते हैं। सपा सरकार को गुंडा राज बताकर भाजपा ने प्रदेश में सरकार बना ली, भाजपा के गुंडा राज के नारे ने सपा को सत्ता से बाहर कर दिया, किंतु आज की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये गुंडा राज का विषय नहीं है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को 2 तरीके से बदनाम किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे एक तो जातिवाद का आरोप लगाया, जितने भी आंकड़े इस बारे में दिए थे वो सब असत्य थे, लोक सेवा आयोग का फर्जी रिजल्ट बनाया, उस फर्जी रिजल्ट को सामने प्रचारित किया, और ये बताया ये किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में एक जात वर्ग का फायदा हुआ। असलियत में एक जात विशेष की तो ये सरकार है, योगी जी के यहां किसी का कोई सम्मान नहीं, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, केवल एक बात है, पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी, जनप्रतिनिधियों का अपमान करना, उन पर मुकदमे लगाना,
और जो न्याय की बात करें उसे जेल में डाल दे, चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई और हो। तो जहां तक सवाल ये है कानून व्यवस्था का, कानून और व्यवस्था बनाने का कोई प्रयास योगी जी कर ही नहीं रहे। उनको विश्वास है कि हम धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लड़ाई करा के चुनाव जीत लेंगे, इसलिए वो पुलिस कहां लगाते हैं, गाजियाबाद के बॉर्डर पे, किसान गाजियाबाद में घुस जाए। पुलिस कहां लगाते हैं, अखिलेश जी के दरवाजे पे, ये गांधी की प्रतिमा तक न चले जाएं, गांधी को माला न पहना दें, हमारे लोगों के घर के बाहर ये धरना न दे दें। अगर ये पुलिस लगाते तो क्या इस तरीके से बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती नहीं होती? जो अखिलेश यादव जी ने सिस्टम बनाया था डायल 100, आप जहां जाते थे डायल 100 की गाड़ी मिलती थी, पहुंचती थी, उसको थाने के अंदर सिस्टम में कर दिया, उस व्यवस्था को चौपट कर दिया। जो 1090 बनाई थी उसको चौपट कर दिया। तो इन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की जो व्यवस्था की गई थी उसका नाश करने का काम किया। जब उसका नाश करोगे तो व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? केवल पुलिस माफियाओं की तरह और कुछ माफियाओं से मिलकर काम कर रही है। जो पुलिस पे सवाल उठाता है उसके ऊपर तुरंत देशद्रोह से लेके, अब किसान खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो फिर और किसी की क्या बात करना। तो इस सरकार ने कानून व्यवस्था की तरफ न कोई ध्यान दिया है, न उसका कोई लेना देना है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में बची। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करें, जिसका सीधा जवाब एमएलसी उदयवीर सिंह जी आपको देंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अगले सवाल की तरफ चलता हूं। सपा शासन में भाजपा गोकसी के आरोप लगाती थी किंतु उसने अपने शासन में इसे पूरी तरह रोक दिया है, क्या कहेंगे आप संक्षिप्त में? इसने रोक दिया, कहां रोक दिया, कौन सा स्लॉटर हाउस है जो बंद हुआ? देखिए, किसी मीट वाले की दुकान बंद कर देना बहुत छोटी बात है। गौकशी का मतलब है जो ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाकर सैकड़ों हजारों पशु रोज काट रहे हैं, उनमें से किसका लाइसेंस बंद हुआ बता दीजिए? वो सारे के सारे, पहली बात तो जो एक सीमा से ज्यादा बड़े लाइसेंस होते हैं वो केंद्र सरकार देती है, प्रदेश देती नहीं। तो जिन पर लाइसेंस है वो भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी के टाइम के नहीं है ना, उत्तर प्रदेश के। और दूसरी बात, जितने बड़े मीट के एक्सपोर्टर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चंदाधारी हैं। लिखा पढ़ी में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा चंदा वही लोग दे रहे हैं। और एक्सपोर्ट, मीट का एक्सपोर्ट इस सरकार में बड़ा है, मोदी जी के प्रभावी होने के बाद लगातार बढ़ा है। और लोकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गौकशी करा के पैसा खाने में लगे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? उदाहरण के साथ बता रहा हूं, आप एटा के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह याद है? क्यों हुई थी उनकी हत्या? किसने मारा था उन्हें? किसके थे वो गुंडे? किसने मारा था? जेल से छूटने के बाद जश्न भी मनाया गया। नहीं, मैं तो बात आगे वही कहूंगा ना कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बजरंग दल के लोग हथियारों को पीठ पे बिठा के लेके आए, स्मारक बनाए, पता नहीं क्या क्या किया। लड़ाई क्या थी? कोई जाति लड़ाई तो थी नहीं, लड़ाई तो सिर्फ इसी विषय पे थी। तो ये लगातार अपना इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट मान लिया है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ठीक उसका विपरीत करते हैं। ये आरोप दूसरों पर लगाते हैं, काम ये खुद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बड़े मंत्री हैं जो अपने को दूसरे नंबर का मंत्री मानते हैं, वो तो घोषित रूप से यही काम करते थे, सब जानते हैं। अपने पे मुकदमे लिखे हैं, सरकार आई, मुकदमे 20-25 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया। इससे ज्यादा बेशर्मी कोई हो सकती है क्या लोकतंत्र में? आज ही अखबार में छपा है, मैं अभी देख रहा था अखबार में, अभी न्यूज आई कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के 4 मुकदमे पे सहमति हो गई है कोर्ट से वापस लेने की। तो आप ले रहे हैं वापस, कैसे कानून व्यवस्था भंग होगी? जो और लोग हैं वो भी ये सोच के अपराध करेंगे कि जब हमारी कभी सरकार आ गई हम भी माफ हो जाएंगे। तो इन गलत परंपराओं को ये आदर्शवाद की बात करने वाले लोग डाल रहे हैं। इनको तो कहना चाहिए था कि चाहे जिसका मुकदमा वापस हो जाए मैं पद पे बैठा हूं, मैं ट्रायल फेस करूंगा।
और है कोई नैतिक ताकत? बेईमानी के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में काम ही नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? कांग्रेस व बसपा के साथ किए गए गठबंधन को तो जनता नकार चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में अधिकृत हैं, वही निर्णय लेते हैं। उनकी ये घोषणा है कि बड़े दलों से हमारा गठबंधन नहीं होगा, छोटे दलों के लिए गुंजाइश एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रखेगी और उस समय के हिसाब से वो बताएंगे, और बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए हैं, आज हर आदमी के जवान पे चर्चा है कुछ न कुछ विकास करने की। आप जहां से शुरू करेंगे, एटा में इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है, बता दीजिए पिछले 30 साल में कहीं कुछ लगाओ। तो अखिलेश यादव जी ने हर जगह, आप जो जहां जगह बताएंगे मैं वहां बता दूंगा, हर क्षेत्र में काम किया, हर जगह उस काम की चर्चा है, उनकी साफ सुथरी छवि रही, आज तक कोई आरोप प्रत्यारोप दाग नहीं लगा, गाली देने के लिए कोई कुछ बोल दे, जिनकी अपनी मानसिकता खराब हो वो कोई अपशब्द बोल दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और कानूनी रूप से कभी अखिलेश जी पे कोई सवाल नहीं उठा। इस सकारात्मक छवि और सकारात्मक काम के कारण अखिलेश यादव, लोगों की इच्छा है कि जो 12-17 में फैसला हुआ वो शायद गलत हो गया, और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इसे ठीक करना चाहती है। विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, विपक्ष में मतलब समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे दलों में, जो व्यक्तिगत रूप से ये मानते हैं, और मुझे लगता है कि समय पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के साथ भी आएंगे, जिनमें से छोटे दल भी हो सकते हैं, एडजस्टमेंट भी होगा और बड़े बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा जहां एक ओर दलितों पिछड़ों की एकता की बात की जाए, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, तो इसका नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा? इस सवाल, ये मेरा भी सवाल है, साथ ही साथ तमाम व्यूअर्स ये जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। देखिए, पहले तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो ये तय कर लें कि वो परिवारवाद के पक्ष में के खिलाफ हैं। पहले तो लोग भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ और फिर बात करते हैं परिवार की। मेरा मानना ये है, परिवार व्यक्तिगत चीज है, ये परिवार उनका परिवार है, इसमें बाहर के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो चाहते हैं पारिवारिक एकता हो जाए वो परिवार के मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर दें, परिवार के लोग अपने आप बैठेंगे, उनकी सुविधा बने, वो एक हो जाए, अनेक हो जाए, जो फैसला हो परिवार के लोग करें। हमारे जैसे लोग जो राजनीति से मतलब रखते हैं, उन्हें इस बात से मतलब रखना चाहिए पार्टी की नीति क्या है, पार्टी का झंडा क्या है, पार्टी का आंदोलन क्या है, पार्टी का कार्यक्रम क्या है, वो फॉलो करना चाहिए, वो मानना चाहिए। और जो परिवार से जुड़े हैं, परिवार के रिश्तेदार, नातेदार, पारिवारिक मित्र, वो परिवार में रुचि लें और परिवार के अंदर जो फैसला हो जाए उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति को कोई समस्या दिक्कत नहीं। सैफ भाई, परिवार की फूट जिसने पार्टी को जिला स्तर तक बांट दिया, सपा का परंपरागत और निष्ठावान समर्थक अभी तक पचा नहीं पाया है, सभी का मानना है कि परिवार एक हो, आपका क्या मानना है? किसी का भी मानना एकता के खिलाफ कैसे हो सकता है? लेकिन एकता है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, तो परिवार के लोग ही जानेंगे ना। हम सारे लोग बाहर से राय देने लगते हैं, हमें ये नहीं मालूम झगड़ा किसका है, किससे है, क्या बात है, क्या नहीं है, ये तो परिवार के लोग जाने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवार के लोग अपने बारे में, परिवार के बारे में राय मशवरा करें आपस में और इस पर एक निर्णय लेंगे वो। हम लोग जितनी चर्चा करेंगे, जितनी टिप्पणी करेंगे, उतने पारिवारिक मामले को उलझाने का काम करेंगे, सुलझाने का काम नहीं करेंगे। अगर जो कोई सुलझाना चाहता है तो परिवार की बात परिवार पे छोड़ दे, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, राजनीतिक दल, जैसे मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो मेरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि मेरे अखिलेश यादव जी ने लोगों के लिए क्या काम किया, हमारी अगली सरकार बनने की तो क्या काम होगा। लोग इसको भूल जाते हैं और लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि हमें अपनी भूमिका याद रखनी चाहिए, मेरी जो भूमिका है वो मुझे पूरी करनी चाहिए। हमारे पास अंतिम 5 मिनट बचे हैं, अब मैं चाहूंगा कि आगे के जो सवाल हों वो संक्षेप में रहें। भाजपा द्वारा बनाई गई विशेष व्यू रचना के तहत समाजवादी पार्टी के गढ़ों में ही भाजपा ने सपा को हरा दिया, ऐसा पुनः न हो इसके लिए भाजपा द्वारा बनाई गई विशेष व्यू रचना की काट के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? ये फैक्चुअली गलत है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, अपने गढ़ जीतने से आई है
और जब भी गई है तो अपने गढ़ हारने से गई है, और गढ़ हम तब हारते हैं जब अपने लोग ही अपने विश्वास के बाहर हो जाते हैं, जब हमारे अपने मेरे अपने आचरण द्वारा मेरे साथ के ही लोग के साथ कुछ मैं विश्वास में रखने में असफल हो जाता हूँ तो हम सरकार चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की व्यूहरचना काम नहीं करेगी। जिस तरह का अन्याय अत्याचार उन्होंने किया है कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे, क्षेत्र में जो कोई काम नहीं किया, मुझे लगता है वो काम करेगा, और जो दुष्प्रचार सत्र में हुआ था वो आगे नहीं होगा, इसको पार्टी भी सुनिश्चित करेगी। निकट भविष्य में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, कभी कभी काशी और मथुरा की भी सुगबुगाहट होने लगती है। सवाल यह है कि यदि एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ तो उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और उसकी क्या तैयारी है? देखिए, मंदिर तो विषय ही नहीं, क्योंकि नेताजी शुरू से कहते थे कि मंदिर या तो सहमति से बनेगा या कोर्ट से। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि उनकी केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, फिर भी कोर्ट के निर्णय से ही मंदिर बना। तो उन्होंने खूब जनता को भड़काया, खूब आंदोलन कराए, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों का रोजगार खराब हुआ, लेकिन अंतिम फैसला वही हुआ जो नेताजी कहते थे। कोर्ट ने जो का आदेश दे दिया तो सबने माना, तो मंदिर कोर्ट से बनाया, मंदिर में सबकी सहमति है, किसी पूरे देश में किसी को मंदिर से कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और मंदिर आंदोलन में जो जिसकी जैसी भावनाएं वैसा लोग सहयोग कर रहे हैं। ये मुद्दा मुझे नहीं लगता कि चुनाव का है, लोग इसका मुद्दा है। जहां तक धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है, भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है, मुझे लगता है ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि उसका दो मुहा चरित्र हम सामने ले जाएं। हम वो प्रयास करेंगे, वो उस पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, यही संघर्ष है। भाजपा के भावनात्मक मुद्दों के आगे समाजवादी पार्टी के रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे कहीं भी टिक नहीं पा रहे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये सही नहीं है, इसलिए नहीं है कि भावनात्मक मुद्दे तब तक महत्वपूर्ण थे जब तक वो सरकार में नहीं थे। जब दिल्ली में नहीं थे तो कहते थे एक बार केंद्र की सरकार बन जाए तो हम ये कर देंगे, जब यूपी में नहीं थे तो कहते थे डबल इंजन की सरकार बन जाए। अब उन्होंने यूपी में भी सरकार बना ली, दिल्ली में भी बना ली, सब जगह वही है। जो जो मुद्दे वो उठाते थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जवाब अब उन्हें देना है। विपक्ष में रह के वो कुछ भी बोल देते थे, यही योगी जी कहते थे कि डीजे क्यों नहीं बजेगा कांवर यात्रा में, फिर इन्होंने रोक लगाई नहीं, क्यों लगाई? क्या फूल बरसवा रहे थे हेलीकॉप्टर से, जो मुद्दे सड़क पे उठाते थे वो खत्म हो जाएंगे? क्या उसी तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोग अब धार्मिक आयोजनों को नहीं कर रहे हैं जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में करते थे? तो भावनात्मक मुद्दे अब जिस तरीके से सामने खड़े हैं उससे क्लियर है, स्पष्ट है क्या। चलिए, अब कार्यक्रम समापन की ओर है हमारा। जाने से पहले हमारे कार्यक्रम एनजी न्यूज की दस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं? निश्चित तौर पे आप इतने विस्तार से और लोगों से संपर्क करके तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका कार्यक्रम देखने से जनता जागरूक होगी, उसे पता लगेगा उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है, जो बातें हमने कही हैं या और वक्ता कहते हैं उनको अपने आसपास देख के वो जानने की कोशिश करेगी कि हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, उसके हिसाब से राय बनाएगी, और मुझे लगता है अपने अधिकारों को और जिम्मेदारियों को पहचानेगी। तो ये भी एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा काम है कि जनता को सही आईना दिखाया जाए, उसे बताया जाए कि ये आप सोचते हैं सही है, ये जो नेता कहता है वो गलत है या सच है, और उसके हिसाब से जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह तरक्की करते रहें, अच्छा काम करते रहें, और आपके व्यूअर्स बढ़े, आपके जो है लोकप्रियता बढ़े, आपका नाम हो, मेरी यही शुभकामनाएं आपको। उदयवीर सिंह जी, आपने अपने कीमती समय में से एनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जाने माने एमएलसी एवं दिग्गज प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने एनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम में बेबाकी से आवाम के सवालों का सामना किया। भविष्य में कभी किसी मोड़ पर फिर देंगे दस्तक और पूछेंगे आपसे सवाल। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साहब द्वारा होता है कैंसर से संबंधित सभी प्रकार का इलाज। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद।
जिन दर्शकों के प्रश्न हम समयाभाव के कारण नहीं ले पाए उन सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो आप मैं आपसे कहूंगा वो प्रश्न आप मुझे भेज देना, मैं जवाब भेज दूंगा। लेकिन जाने से पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी को हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एमएलसी साहब ने कहा है कि जितने भी दर्शक उन्हें कमेंट कर रहे थे और जो समयाभाव के कारण हम प्रश्न नहीं ले पाए हैं उनका जवाब एमएलसी साहब खुद बता देंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।